Yeah, everyone's been asking me ki trailer kab launch ho raha hai, trailer kab launch ho raha hai. Maine kaha thoda besabri badhaun aur phir dikhaun. हाँ क्योंकि इसमें इतना धमाका है हाँ कि एक महीने से ज़्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज़ करते हैं सबको दिखाते हैं फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना अप्रैल 14 को रिलीज़ हाय बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी इस पिक्चर में मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी नहीं जब श्रीजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे संडे पे मैंने ऑडिशन किया तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर लेकिन आई थिंक श्रीजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में जब भी मैं देखता हूँ जब मैं डब करता हूँ और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे विद्या वॉज बीइंग वेरी मॉडेस्ट राइट नाउ गिविंग ऑल द क्रेडिट टू एवरीवन एल्स but I would like to say that 1 month before the shoot started, we started sitting because we were having 2 parallel workshops. I was having one workshop with the girls and one with Vidya because I didn't want them to, you know, because Vidya is that kind of a jovial, down-to-earth person, which I didn't want for the character because I needed certain authority, a certain kind of distance with the girls from Begam Jaan. So when I was doing the workshop with Vidya, she used to ask me questions like, when Begum Jaan was 3, what are her memories? What would Begum Jaan do when she was 7? When was the first time she was exploited? When was the first time she was abused? What happened on her Suhagrat? Wo kaise bhaag gayi, kahan se bhaag gayi, kya hua uske saath? So this questionnaire, which we used to discuss every day for 30 days. Dekhiye, ye jo aapne misal di hai, apna Shabana ji ki, Smita ji ki, मैं यही कहूंगा कि सपना वही है सपने देखने वाले बदल जाते हैं कि हर युग में औरत ने ये सपना तो देखा है अब उसका एक्सप्रेशन आपके आंखों तक पहुंचा नहीं क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं थे वो स्पेस नहीं थी वो लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो औरत को बराबरी का एक की स्पेस दे मगर मुझे लगता है कि विद्या ने जब मुझे हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के दौरान जब इसने मुझसे कहा कि ये मेरे अंदर एक प्यास है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है एक आक्रोश है कहीं पर जैसे एक चीख कहीं पर मेरे जहन में कहीं पर लॉक्ड है उसको निकालने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी अब कहते हैं कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वांट बिकॉज यू विल गेट इट